गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आज हम नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। कल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ा था, कक्षा 10 साइंस पाठ नंबर 6। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण वगैरह जो है, समीकरण है, समीकरण लिखने के विषय, कैसे चरण होते हैं वो वगैरह जो है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार वगैरह जो है वो हम पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं। और जो है आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। क्या है उत्प्रेरक? ये उत्प्रेरक क्या होता है, किसे कहते हैं उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार से प्रभाव डालता है? वे पदार्थ उत्प्रेरक की परिभाषा देखो, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को क्या कर दे, परिवर्तित। वेग होते वेलोसिटी, उसको क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, परंतु स्वयं में कोई बदलाव ना आए। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो बदल दे लेकिन स्वयं में कोई बदलाव नहीं आए, उनको हम कहते हैं उत्प्रेरक। और इस घटना को कहते हैं उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। यानी वे पदार्थ जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, कम या ज्यादा कर दे, या तो कम कर दे या ज्यादा कर दे, और स्वयं में कोई बदलाव नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उत्प्रेरक। और इस घटना को कहेंगे उत्प्रेरण। जैसे KClO3 equal to KCl plus O2, KCl plus O2 ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, है ना, ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इससे क्या है, मंद अभिक्रिया जो होती है बिल्कुल धीमी धीमी होती है अगर उत्प्रेरक नहीं डालेंगे। और इसमें अगर हम MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल दें तो इसके डालने से ये क्या कर देता है, जो है पोटेशियम क्लोराइड का तापीय अपघटन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मिलाने से क्या हो जाता है, कम ताप पर ही होने लगता है, ज्यादा गर्म करना नहीं पड़ता, कम ताप पर ही ये आसानी से हो जाता है। अब देखो अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार क्या प्रकार है, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के क्या प्रकार है, कितने प्रकार के हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर, किस अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा जो होता है वो होता है विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, समांगी और विषमांगी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी परिभाषाएं हैं, कैसे हम इनको समझ सकते हैं। समांगी में क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं, एक तो होता है क्रिया कारक जो भाग लेता है, एक होता है उत्पाद जो बनता है, और एक होता है अपना उत्प्रेरक, है ना, ये तीन जो इसके इनके वेग को क्या करे, कम या ज्यादा करे। तो तीनों की अगर भौतिक अवस्था समान है, तीनों की यदि भौतिक अवस्था समान है तो उस उत्प्रेरक को हम समांगी उत्प्रेरक कहेंगे और इस क्रिया को हम समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। जैसे मेथिल एसिटेट है CH3COOCH3, यह है लिक्विड अवस्था में, है ना, प्लस H2O के साथ क्रिया करवाते हैं तो यह भी है लिक्विड अवस्था में, और इसमें हमने HCl डाल दिया वो भी क्या है, लिक्विड अवस्था में। और जो बना, क्या बना, एसिटिक अम्ल, एक तो बना एसिटिक अम्ल CH3COOH, और प्लस एक क्या बना, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। तो ये दोनों क्या है, जलीय विलयन तैयार होते हैं, यानी ये भी जलीय विलयन तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, लिक्विड। उत्पाद भी लिक्विड, उत्प्रेरक भी लिक्विड, और जो क्रियाकारक है वो भी लिक्विड। तीनों की अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था जो है वो है लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में है, तीनों की भौतिक अवस्था एक जैसी है, तो उसे क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। जैसे SO2 plus O2 equal to क्या बना, SO3। अब ये जो तीनों है और इसमें जो हमने NO डाला, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, तो ये है सब गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, तो मतलब कि इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, समान,
क्रियाकारक की, उत्पाद की और उत्प्रेरक की, तीनों की अवस्था क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। चाहे लिक्विड हो तो तीनों की लिक्विड, चाहे गैस हो तीनों की गैस, या सोलिड हो ठोस हो तो तीनों की सोलिड होनी चाहिए, है ना। ये तो हो गया समांगी उत्प्रेरक। और विषमांगी में क्या होता है? विषमांगी में जो है तीनों में से एक, तीनों समान नहीं होती, तीनों जो है विषमांगी में जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक दो की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो तो उसको क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। और इस क्रिया को क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे N2 plus H2 तो क्या बना? NH3 बना, NH3 अमोनिया बना, तो ये क्या बना? गैस। ये क्या बना? गैस। और ये क्या बना? गैस। ये तो गए उत्पादक और क्रियाकारक और उत्पाद, ये तो गैसीय अवस्था में हो गया, लेकिन जो इसमें हमने उत्प्रेरक मिलाया वो किस अवस्था में है? सोलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो क्रियाकारक और उत्पाद की क्या होगी? अवस्था अलग अलग हो गई, समझ में आ रहा है। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी वह उत्प्रेरक जिसमें अभिक्रिया में उत्प्रेरक या क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में हो उसे कहेंगे हम विषमांगी उत्प्रेरक, समझ में आ गया। तो ये दो प्रकार के हो गए, समांगी और विषमांगी। समांगी में तीनों की जो स्थिति भौतिक अवस्था होती है वो समान होती है, और विषमांगी में क्या होता है? क्रियाकारक उत्पाद की एक हो सकती है लेकिन क्रियाकारक उत्प्रेरक की एक नहीं होगी, अलग अलग भौतिक अवस्था होगी। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारे दो दो उत्प्रेरक जो भौतिक अवस्था के आधार पर है। अब जो उत्प्रेरक है वो किसके आधार पर आएगा? क्रिया के आधार पर, क्रिया करने के आधार पर, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। सबसे पहला है धनात्मक, सबसे पहला क्या है? धनात्मक उत्प्रेरक। पहला है धनात्मक। अब धनात्मक का मतलब धन होना, जुड़ने, जुड़ना या आगे बढ़ना, यानी ग्रोथ करना, है ना। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करे? बढ़ाए, वेग को बढ़ाए, तो धन कर रहा है ना, वेग बढ़ाते तो उसको क्या कहेंगे? धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे KCl3 है, इसको हमने तोड़ा तो KCl+O2 में टूट गया और इसमें MnO2 मिलाया, तो ये क्या करेगा? इसके वेग को क्या करेगा? थोड़ा बढ़ाएगा। वेग को बढ़ाने से इसमें कम ताप पर ही क्रिया हो जाएगी, समझ गए? KCl3 में तोड़ने के लिए। तो ये धनात्मक उत्प्रेरक, यानी ऐसे उत्प्रेरक या ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने काम आते हैं। दूसरा क्या है? ऋणात्मक। दूसरा क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक, अब इसका उल्टा हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या हो गया? इसका उल्टा, यानी वे उत्प्रेरक जो वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे? कम कर दे, वेग को घटा दे, कम कर दे, उसको क्या कहेंगे हम? ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे H2O2 इक्वल टू क्या होगा? H2O+O2, H2O+O2, इस टुकड़ों में टूटेगा ये, इसमें क्या डालेगा तब? ग्लिसरॉल, यानी ये क्या करेगा? अभिक्रिया के वेग को कम करेगा, ग्लिसरॉल है वो अभिक्रिया के वेग को कम करेगा, या H2O2 के अपघटन की जो दर है उसको कम कर देता है। या जैसे एक उदाहरण है अपना CHCl3+O2, तो ये किसमें हो गया? किसमें टूट गया? COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, है? अब इसमें हमने क्या मिलाया था? C2H5OH एथेनॉल, यानी क्लोरोफॉर्म जो है ये, इसको क्या कहेंगे हम? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोफॉर्म, जो आने वाली गैस आती है क्लोरोफॉर्म, ऑक्सीजन की स्वतः ऑक्सीकर होकर विषैली गैस बना देते हैं, इससे क्रिया की गति को कम, ये स्वतः ही आपस में ऑक्सीजन के लिए स्वयली गैस बना देते हैं, है ना। कौन सी? फास्जीन। कौन सी गैस बनाते हैं? फास्जीन, इसको कहेंगे फास्जीन। तो इसकी गति को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है? इसकी गति को कम करने के लिए मिलाया जाता है। ये हो गए दो, धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक वेग को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के उत्प्रेरक हमारे हो गए। तीसरा है वो है स्वतः उत्प्रेरक। तीसरा क्या है? स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः, स्वयं ही होने वाला, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद ही क्या कर दे? क्रिया उत्प्रेरक का कार्य करे या तब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एथिल एसीटेट CH3COOCH2
जो है एथिल एसिटेट की क्रिया जल के साथ करवाई तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH एथिक अम्ल बना प्लस एथेनॉल बना C2H5OH। तो इस क्रिया में क्या होता है, ये प्रारंभ में ये जो है अभिक्रिया की गति वो धीरे धीरे होती है, परंतु उत्पाद एसिटिक अम्ल बनते ही क्या होती है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसमें जो एसिटिक अम्ल है वो क्या करता है, स्वयं उत्प्रेरक का काम करता है, इसके अभिक्रिया को वेग बढ़ाने का काम कर देता है। तो अब ये हो गया स्वतः उत्प्रेरक, यानी अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद ही जब उत्प्रेरक का कार्य करे अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो उसे हम कहेंगे स्वतः उत्प्रेरक। ये तीसरा हो गया, और चौथा है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक अर्थात जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने में जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक जीवों में होने वाली या केमिकलों में होने वाली अभिक्रिया को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इनको साधारणतः एंजाइम कहा जाता है। जैव क्रिया जीव जंतु में मान लीजिए, पेड़ पौधों में मान लीजिए, उनमें जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करे तो उनको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इनको एंजाइम भी कहा जाता है। जैव उत्प्रेरक का दूसरा नाम क्या है, एंजाइम। इनको एंजाइम भी कहा जाता है और ये अभिक्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे है यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया का उदाहरण है। यूरिया का जो है अणुसूत्र NH2CONH2 प्लस H2, यूरिया के हम जल के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया प्लस CO2 बनेगी। इसमें कौन सा यूरिएज एंजाइम जो पेड़ पौधों से जीव जंतु से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यूरिएज। तो इस प्रकार से जैसे माल्टोज को हम माल्टोज है उसको हमने किसमें बदला, ग्लूकोज के अंदर। तो उस वो किससे बदलेगा, माल्टेज के अंदर, जो पेड़ पौधों से जीव जंतु से प्राप्त होता है। तो इनको हम एंजाइम, माल्टेज एंजाइम है, यूरिएज एंजाइम है, इनको एंजाइम माना जाता है। क्या माना जाता है, इनको एंजाइम। तो ऐसे पदार्थ जो जीवों से या जैव अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले जो पदार्थ है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं तो उसे जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण हो गया। तो चार हो गए, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः और जैव। धनात्मक में अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, ऋणात्मक में अभिक्रिया के वेग को कम करेंगे, स्वतः में अभिक्रिया बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है और जैव उत्प्रेरक में जैव रासायनिक अभिक्रिया बनने वाला पदार्थ कुछ कारक है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जिसमें एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, और दूसरा जो होता है वो होता है उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। विष यानी जहर का काम करे, जहर मतलब कम डाउन कर दे, यानी जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे उसको तो उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, और जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दे उसको उत्प्रेरक विष कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में मिश्रण में अभिक्रिया के साथ में अभिक्रिया में जो मिश्रण होता है उसके साथ उत्प्रेरक के साथ उस पदार्थ को भी मिला दें तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक का काम नहीं करते, केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, है ना। जैसे ये हो गया N2 प्लस H2 इक्वल टू क्या हो गया, NH3 अमोनिया बना, है ना। अमोनिया में हमने उत्प्रेरक काम में लिया था Fe काम में लिया था, लेकिन इसके साथ में हमने मोलिब्डेनम मिला दिया, तो मोलिब्डेनम क्या करेगा, इस उत्प्रेरक जो है Fe की उसकी क्रियाशीलता को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये जल्दी काम अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी। इस प्रकार जैसे वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल उसकी क्रिया करवाएंगे हम हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वनस्पति घी। वनस्पति घी बना तो उसमें जो हम उत्प्रेरक मिलाते हैं वो कौन सा है, NI, उत्प्रेरक NI है, और कॉपर उसके साथ मिला देते हैं तो कॉपर क्या है, NI की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करता है।
नेक्स्ट है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो अभिक्रिया में मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर दे, कम कर दे। जैसे अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी जाए तो जैसे हमने ये वाला उदाहरण दोबारा से ले लेते हैं, एन टू प्लस एच टू इक्वल टू क्या बना था, एन एच थ्री। तो इसमें उत्प्रेरक क्या था, एफ। तो हम इसमें मोलिब्डेनम मिलाया था तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें सीओ मिला दो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सीओ क्या करेगा, इस एफ की क्रियाशीलता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो उससे उसमें उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाएगी और अभिक्रिया धीरे धीरे होने लग जाएगी। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे। अगर अभी ये आपके मिश्रण में मिला दें तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे तो उसको उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष कहेंगे। तो ये दो प्रकार के प्रभावित कारक होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के क्या क्या गुण है, उत्प्रेरक के गुण है उत्प्रेरक केवल क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन, एक तो है वेग में परिवर्तन करते हैं, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्प्रेरक जो होते हैं अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, स्वयं की मात्रा में या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उत्प्रेरक की ना तो मात्रा कम होती है ना संगठन बदलता है, केवल वो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। अभिक्रिया मिश्रण में जो है अभिक्रिया में केवल इसकी क्या मिलाई जाती है, सूक्ष्म मात्रा, बहुत कम मात्रा मिलाई जाती है उत्प्रेरक की, है ना, ज्यादा नहीं मिलाई जाती। तीसरा है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक होता है, अर्थात अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक काम में आते हैं, विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक काम में आते हैं। उत्प्रेरक सभी क्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते, यानी एक उत्प्रेरक को सभी क्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं करते, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं। इसके अलावा उत्प्रेरक अभिक्रिया को, अभिक्रिया को उत्प्रेरक ना तो प्रारंभ करता है, प्रारंभ नहीं करता और अंत नहीं करता, यानी एंड भी नहीं करता शुरू भी नहीं करता, केवल उसके वेग को क्या करता है, कम या ज्यादा करता है। अभिक्रिया को ना तो शुरू करता है ना उसको बंद करता है, केवल उसके वेग को क्या कर देता है, बदलता है। इसके अलावा उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती है, उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती है उसमें उत्प्रेरक जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है ना, अग्र आगे की दिशा में, प्रति वापस की दिशा में, उल्टी दिशा में, दोनों दिशाओं में होती है, तो दोनों दिशाओं में जो उत्प्रेरक होता है वो समान रूप से काम करता है, समान रूप से प्रभावित करता है उस अभिक्रिया को, मतलब आगे वाली दिशा में होने पर भी अपना प्रभाव वैसा ही डालेगा जैसे वापस उल्टी दिशा में होती है, तो उस समय भी वैसा ही प्रभाव डालेगा, यानी कि कम या ज्यादा उसका प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर क्रियाशील होता है, यानी उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होता है, निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होता है। ताप बदलने पर, अगर हम ताप परिवर्तन कर दें, ताप परिवर्तन करने पर क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, प्रभावित होती है, कम या ज्यादा हो जाती है, यानी उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर क्रियाशील होता है, अगर ताप हम कम या ज्यादा कर देते हैं तो क्रियाशीलता भी कम या ज्यादा हो सकती है, समझ गए। तो उत्प्रेरक के क्या क्या गुण होंगे, लगभग छह गुण होंगे, यानी उत्प्रेरक जो होता है वो केवल अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, स्वयं के मात्रा संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही डाल जाती है अभिक्रिया के मिश्रण में, ज्यादा नहीं डालते, और अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं, एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए काम नहीं करता है, और उत्प्रेरक अभिक्रिया को ना तो प्रारंभ करता है ना अंत करता है, केवल वो उसके वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। उत्प्रेरणीय अभिक्रिया में जब 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 अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है तो दोनों दिशाओं में उत्प्रेरक समान रूप से प्रभावित या प्रभाव डालता है, और उत्प्रेरक जो होता है वो निश्चित ताप ही क्रियाशील होता है, ताप बदलने पर उसकी क्रियाशीलता भी बदल जाती है। इस प्रकार ही हमारे उत्प्रेरक के गुण कंप्लीट होते हैं। उत्प्रेरक के गुण कंप्लीट हो गए, उत्प्रेरक का टॉपिक कंप्लीट हो गया, अभिक्रियाओं का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें जो है हमारा ये जो चैप्टर था पार्ट नंबर 6 वो भी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अपना मोस्ट टॉपिक क्या है, केवल क्या है, अभिक्रियाओं के, जैसे ज्यादा कठिन पार्ट नहीं है, अभिक्रियाओं के प्रकार है, प्रकार उनकी परिभाषा उनके उदाहरण,
प्रकार और गुण, बस ये दो टॉपिक है कंप्लीट, और दो टॉपिकों में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो अभिक्रियाओं के प्रकार परिभाषा उदाहरण हमने बता ही चुके, लगभग 10 से 8-10 प्रकार के अभिक्रियाएं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, मंद, तीव्र, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, रेडॉक्स, ऑक्सीकरण, अपचयन, और जो है उदासीन करनी है अभिक्रियाएं, उनके परिभाषा, प्रकार, उदाहरण वगैरह जो है वो, और उत्प्रेरक की परिभाषा में वेग को परिवर्तन करने वाले पदार्थ, क्रिया के आधार पर 4 प्रकार के, भौतिक अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के, और उसके गुण और क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक है उत्प्रेरक, वर्धक, उत्प्रेरक विष, इनके बारे में हम विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे आशा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे वीडियो को, अंत तक वीडियो को देखना है, और कोई टॉपिक आपको इस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें अवश्य कमेंट में लिख कर बताएं, जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। इस टॉपिक के बाद में हम जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नया टॉपिक, वो कल से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक आता है। इसके आप इस जो टॉपिक हमने 2-3 दिन में कंप्लीट किया है उसको आप पढ़िए दोबारा और समझिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको हमको जरूर पूछिए। हाँ, दूसरी बात, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये जो है वीडियो हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को पहुंचे और विद्यार्थियों को जो रुकी हुई बाधित जो पढ़ाई है उसमें कुछ सीखने को मिले। ओके,